Hello guys, welcome back to my channel and in my previous video I have discussed formula bar and in this video I will discuss format painter bar. So how do we use format painter के मतलब Excel series में जो हम format painter आपके लिए लेके आए हैं तो उसका use कैसे करते हैं. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे data आपको show करके दिखाया कि student name में मैंने पाँच नेम है जो मैंने आपको दिखाए डेटा में एंट्री करके कि मार्क्स हैं अटेंडेंस है स्टूडेंट का. जो मोहित नाम का स्टूडेंट है उसका मैंने जो डेटा दिखाया आपको वो एक अलग फॉर्मेट में है. इन सब के उसके तरीके से कंपेरिजन करें तो वो हमारा अलग दिख रहा है क्योंकि उसका बैकग्राउंड कलर हमें पिंक है. तो अगर सपोज डेट कि हमें मोहित के का जो डेटा है ना उस डेटा के सेम ही अपने सिखा वाले डेटा को चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा. हमें वहाँ पर जाके इसका बॉर्डर सेलेक्ट करना पड़ेगी, फिर यहाँ जाके हमें इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो हमें जी ऐसा करना पड़ेगा. बट इसको हम फॉर्मेट पेंटर के तरीके से यूज़ करके देखें तो वहाँ हमारे लिए इजी हो जाएगा. तो हम इसको फॉर्मेट पेंटर को कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं. जैसे कि हम यहाँ पर जाते हैं और फिर हम अपने फॉर्मेट पेंटर जो हमारे पास यहाँ पर आपको शो रहा है होम टैब पे तो वहाँ पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये इंडिकेट होने लगता है. अब हमारे माउस के कर्सर के साथ देखो एक ब्रश सा दिख रहा है तो मतलब हमारा फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट हो गया है. अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ से इसको सेलेक्ट करके माउस को छोड़ा जैसे ही हमने तो हमारा सेम डेटा वो जो मोहित का था सेम डेटा हमारा यहाँ हो गया. अब सपोजेट कि मुझे इसको फिर से वही डेटा करना है वाइट कलर में तो मैं अपने फॉर्मेट पेंटर को यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ. तो मैंने यहाँ पर वाइट को सेलेक्ट किया एंड फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट किया एंड फिर से इस डेटा को रिमूव कर दिया. यहाँ पर सेलेक्ट किया, फिर से फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट किया एंड स्टेटा को रिमूव कर दिया तो हमारा सेम फिर से हो गया. तो इस तरीके से हम फॉर्मेट पेंटर को यूज़ कर सकते हैं जब भी हम कोई बड़ा डेटा बनाते हैं एंड कोई एक हेडिंग चाहिए, इसका बैकग्राउंड हमें येलो रखना है, ब्लैक रखना है, सेम चाहिए और फिर हमें फुटर भी बनाना है, कोई और डेटा बनाना है तो हमें अपने हेडिंग के अकॉर्डिंग उसका डेटा का कलर चाहिए तो हम फॉर्मेट पेंटर के यूज़ से ऐसे पूरे डेटा को कलरफुल बना सकते हैं. वरना मुझे अगर फॉर्मेट पेंटर नहीं होता तो हमें यही बैकग्राउंड कलर वगैरह सेट करना पड़ता, वो हमें नहीं करना है. अगर इजीली आपको करना है तो हम फॉर्मेट पेंटर के तरीके से ऐसे कलर्स को सेट कर सकते हैं अपने डेटा में. सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग.